गाइस, जब भी आप ओवरली एक्साइटेड हो ना, कभी भी डिसीजन मेकिंग ना करें, क्योंकि इस समय आपका ब्रेन जो है हाइपर अराउजल मोड में होता है। जब भी हाइपर अराउजल मोड में हम होते हैं ना, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल ब्रेन है ना, वो स्टॉप हो जाता है एंड वी कैन नॉट मेक गुड डिसीजन फॉर आर लाइफ। जब भी आप ओवरली एक्साइटेड हो, डू नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन टू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। दिस इज सुमन एंड वेलकम टू दिस चैनल, बिकॉज वी ह्यूमन बींग वी को क्रिएट, कॉपरेट एंड को रेगुलेट विद ईच अदर। इसलिए कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क, क्योंकि आपके इनर वर्क से ह्यूमैनिटी पर रिपल इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और वी कैन हील अदर्स बाय हीलिंग आवर सेल्फ फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैसे फियर को एक्साइटमेंट में चेंज करें, एंड इट्स ऑल अबाउट फियर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैम हाउ टू ओवरकम फियर। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ टू ओवरकम फियर प्लस फियर को एक्साइटमेंट में कैसे चेंज करें। फियर और एक्साइटमेंट में अगर आप फिजियोलॉजी को नोटिस करेंगे ना, आपकी बॉडी फियर और एक्साइटमेंट दोनों को ही सिमिलर वे में परसीव करती है। आई वॉन्ट यू टू नोटिस आपकी लाइफ के दो एक्सपीरियंस, एक तो जहां पर आप बहुत फियर मोड में थे, एक जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। आपकी बॉडी में किस तरीके की सेंसेशंस आई थी? हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, स्वेटिंग हो सकती है ना, बॉडी में सॉर्ट ऑफ एक मतलब क्रिंज सी फीलिंग आने लग जाती है, एक अजीब सी फीलिंग आने, पेट में जैसे गुदगुदी सी हो रही है ना। ये सारा जो रिस्पॉन्स है ना, ये है फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है इस समय, चाहे आप फियर मोड में हो चाहे एक्साइटमेंट में हो। अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे गलत होगा, क्योंकि थिंकिंग ब्रेन, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लॉजिकल रीजनिंग इन सबको देखता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ये शट डाउन हो जाते हैं। जब भी आप फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में होते हैं, आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, चीजों को लॉजिकली डील करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए दोनों ही स्टेट में कोई भी डिसीजन मेकिंग ना करें। क्योंकि आई रिमेम्बर जब भी मैं एक्साइटेड रहती थी, तो मैं हमेशा एक्साइटमेंट में डिसीजन मेकिंग कर लिया करती थी, और मैं हमेशा पछताती थी बाद में कि यार मुझे इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि फिर वो कमिटमेंट हो गया तो हो गया, फिर उस कमिटमेंट को आगे फॉलो करना पड़ता है, वो कमिटमेंट फिर आपको बाद में भारी लगने लग जाता है। तो कभी भी एक्साइटेड हो तो थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा पॉज लें, और उस सिचुएशन को टालने के लिए एक ब्रेक लें कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, लेट सी दिस थिंग नेक्स्ट डे, मुझे सोचने का समय चाहिए। अगर आप उस समय उनको जवाब नहीं देना चाहते, किसी को और को जवाब नहीं देना चाहते, अगर वो चीज़ दूसरों से रिलेटेड है, तो उनको बोलिए कि मुझे एक दो दिन दीजिए एंड मैं आपको सोच कर बताऊंगी। अगर आप फियर और एक्साइटमेंट दोनों को नोटिस करेंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सपोज रोलर कोस्टर है या कोई स्लाइड है जिससे आपको स्लाइड करके नीचे आना है, एक में आपको फियर है, आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से स्लाइड करेंगे। एक्साइटमेंट में भी आपको नहीं पता किस तरीके से स्लाइड करेंगे। आप सोचकर बताइए डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस है हमारी सोच में। फियर के टाइम हम बड़ा नेगेटिव सोचते हैं, हमें डर रहता है डेथ का, सबसे बड़ा फियर होता है डेथ का, और जो फियर होता है वो ऑलमोस्ट हर चीज में इस डेथ को ना अटैच कर देता है। सपोज आपको स्लाइड से नीचे आना है, आपको ये डर रहेगा अरे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, है ना। आपको फ्लाइट में भी जाना है, सपोज घूमने जाना है आपको, लेकिन आप फ्लाइट में चढ़े ना, आपको यही रहेगा अरे यार फ्लाइट क्रैश ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मौसम खराब ना हो, दिस और दैट। तो आपको समझ आ गया क्लियरली, फियर में आपको ऑलमोस्ट डेथ का फियर रहता है, और जब आप एक्साइटेड होते हैं, जो एक्साइटमेंट होता है ना, इसमें लाइफ के प्रति हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हमारी सोच जो है नो मैटर व्हाट क्या होने वाला है, हमारी सोच जो है पॉजिटिव है, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, है ना। दोनों ही टाइम हमें नहीं पता क्या होने वाला है, सोच का फर्क है। एक तरफ हम बहुत नेगेटिव हैं, एक तरफ हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमारा फेथ है जो हमें आगे गाइड कर रहा है, यहाँ पे हमारा फियर है जो हमें आगे गाइड कर रहा है। और दोनों ही टाइम में हमें ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो पहली बात, अपनी सोच को नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर आना है।
ठीक है कि अभी मुझे डर लग रहा है, बट देर आर चांसेस, देर आर 50% चांसेस कि मेरी डेथ ना हो और मैं जिंदा रहूं, है ना। तो क्या क्या हम कर सकते हैं अगर हम फियर मोड में है? पहली चीज, टेक अ पॉज एंड टेक 3 deep breath, गहरी गहरी सांसें आपको लेनी है। अंटिल यू रिलैक्स, आपकी बॉडी थोड़ा रिलैक्स नहीं हो जाती तब तक आपको डीप ब्रेथ लेनी है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एंड ये पॉज जो है ना, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा, आपकी बॉडी को थोड़ा सा सेफ फील कराएगा। सेकेंड स्टेप इज आपको एक्सेप्ट करना है कि आप फियर मोड में हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपने हॉकिंस वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, वाइब्रेशन वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर हमें लोअर वाइब्रेशन टू हायर वाइब्रेशन रेज करने हैं अपने वाइब्रेशन को, तो आपको अपने जो लोअर इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा। जब हम इन इमोशंस को जो हम फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, अगर हम इनको एक्सेप्ट करेंगे तो हम न्यूट्रैलिटी में आते हैं। न्यूट्रैलिटी के ऊपर जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो पहली बात, हमें अपने उस इमोशन को एक्सेप्ट करना है, फियर को एक्सेप्ट करना है, दैट यस आई एम अफ्रेड, यस मुझे डर लग रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज इज आपको बोलना है एक पावरफुल सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या करेगा, ये आपके इस फियर के इमोशन को करेज में लेकर आएगा, फियर करेज में चेंज होने लग जाएगा। सेंटेंस क्या है, यस I'm afraid, but I will do it anyway. Yes, I'm afraid, but I will do it anyway. इस सेंटेंस को रिपीट करते रहिए। जब भी आपको डर लग रहा है ना, डीप ब्रेथ लीजिए एंड रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक आपको थोड़ी सी हिम्मत नहीं आती। ये सेंटेंस बोलने का ही हमारा जो मोटो है कि हमारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत जागे, ठीक है। यस आई एम अफ्रेड, यस आई एम फियरफुल, बट आई विल डू इट एनीवे। जो मैंने सोचा हुआ है करने के लिए, मैं वो करने वाली हूँ। अगर आप कई बार रिपीट करेंगे, आप करेज की स्टेट में आएंगे। जब आप करेज की स्टेट में आ गए ना, उसके बाद अप लेवल करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद यू जस्ट हैव टू एंकर दिस फीलिंग विद अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। कोई भी एक पॉजिटिव चीज के साथ आपको अपने इस फीलिंग को एंकर करना है। सपोज कि आपको फ्लाइट में जाना है और आपको लग रहा है डर, तो आप क्या करें, आप सीट पर बैठ जाएं, ठीक है। टेक अ पॉज, डीप ब्रेथ लें, गहरी सांसें लेने के बाद खुद को कहें, यस आई एम अफ्रेड, आई एम फियरफुल, बट आई विल डू इट एनीवे। बार बार कही है अपने आप को। अब एक पॉजिटिव थॉट आपको इसके साथ अटैच करना है। पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है, ये इस फ्लाइट से जहां मैं जा रही हूँ वहां पर क्या होने वाला है, मैं किस चीज के लिए जा रही हूँ। अगर सपोज मैं अपने रिलेटिव से मीट करने जा रही हूँ, अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अटेंड करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी मीटिंग है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो उस चीज के बारे में सोचिए, व्हाट्स पॉजिटिव बिहाइंड दैट। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करके एक पॉजिटिव थॉट के साथ उस चीज को एंकर करना है। पॉजिटिव थॉट कहाँ से आएगा, जिस सिचुएशन में भी आप हैं अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं तो वहां पर आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, उस बेनिफिट को रियलाइज कीजिए। क्योंकि फियर और एक्साइटमेंट में इतना ही अंतर है, दोनों में ही हमें फ्यूचर का नहीं पता। लेकिन जब हम फियर के मोड में है तो हम नेगेटिव हैं, वी आर नॉट एट ऑल होपफुल। एक्साइटमेंट में वी आर होपफुल अबाउट आर फ्यूचर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज स्विमिंग पूल में है और बहुत ऊंची स्लाइड है ना, आप ऊपर बैठ गए हो और आपको डर लग रहा है कि मतलब किस तरीके से होगा, क्या होगा, है ना। आप वहां बैठ गए, स्टक हो गए। अब वहां बैठ के पहली बार तो गहरी सांसें लीजिए एंड खुद को करेज में लेकर आइए कि यस आई एम अफ्रेड, यस दिस इज हार्ड, बट आई विल डू इट एनीवे। बार बार बोलिए, करेज इकट्ठा कीजिए एंड उस चीज को सोचिए कि अगर आप उस स्लाइड से नीचे आ गए तो क्या होने वाला है। क्या होने वाला है कि एक तो आप बहुत इंजॉय करेंगे चीज को, एक आप उस चीज को विन कर लेंगे। पानी होगा, लोग होंगे नीचे, आपके फ्रेंड्स होंगे, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर हैप्पी फॉर यू कि तुम स्लाइड से नीचे आने वाले हो। तो उस चीज को विजुअलाइज कीजिए। अगर ये चीज पॉजिटिवली होती है तो हाउ विल यू फील, उस फीलिंग को, उस विजुअलाइजेशन को वहां पर एंकर कर दीजिए, ठीक है। तो आई कैन गारंटी दैट कि आपका फियर एक्साइटमेंट में चेंज हो जाएगा। फियर से हम खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, कोई अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब नहीं कर पाते। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, हम अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। जब हम बहुत ज्यादा फियर मोड में होते हैं तो हमारा फोकस कैसा होता है, बहुत ही टनल विजन होता है।
हमारा फोकस बहुत ही नैरो होता है, हम आसपास जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देख ही नहीं पाते, हम ग्रैब क्या करेंगे, उसका फायदा क्या उठाएंगे, है ना। तो हमें इस फियर को कन्वर्ट करना है स्टेप बाय स्टेप इनटू एक्साइटमेंट। और ये सारी चीजें बातों से नहीं आती है, ये सारी चीजें आती है करने से। कोई भी एक स्टेट या कोई सिचुएशन याद कीजिए जहां पर आप बहुत ज्यादा फियरफुल थे, और आपको उसको वहां तक लेकर आना है कि अगर इस फियर को मैं ओवरकम करती हूँ तो व्हाट इज दैट वेटिंग फॉर मी, वो क्या चीज है जो मुझे मिलेगी जिसके लिए मैं एक्साइटेड हो सकती हूँ। उस चीज को विजुअलाइज कीजिए कम्प्लीटली। सपोज आप एक मीटिंग में है जहां पर आपको बोला गया कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, यू नो दैट कि यू आर फियरफुल, बट यू हैव टू चेंज दिस फियर इनटू एक्साइटमेंट। कैसे करेंगे? डीप ब्रेथ लेनी है, एक्सेप्ट करना है। मैं एक पर्सनल फॉर्मूला यूज करती हूँ, मैं सबको ये बता देती हूँ कि आई एम फियरफुल एंड आई एम नॉट रेडी एट ऑल, बट आई वॉन्ट टू डू दैट। दिस इज करेज, दिस इज एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपको ये सोचना है अगर ये स्पीच अच्छी गई तो क्या होगा, लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, दे विल अप्रिशिएट यू, है ना, आपके नंबर बनेंगे और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव लगेगा। तो अगर हमारे पास मौका है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे पास ये भी तो मौका है ना कि हम उसको पॉजिटिव सोचें। तो पॉजिटिव विजुलाइज करके उसको एंकर करूंगी मैं कि यार बहुत अच्छा होगा, एंड देन आई विल जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग। मैं बोलती रहूंगी विदाउट थिंकिंग कि आउटकम क्या होने वाला है। मुझे पता है अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी आई विल बी एक्साइटेड एंड आई विल बी एक्साइटेड, तो चाहे नेगेटिव चीज भी होगी ना तो भी मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो दिस इज द वे जहां से आपको फियर को एक्साइटमेंट में आप चेंज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन इन अ प्रॉपर वे। और अगर आपको फियर को कम्प्लीटली खत्म करना है अपनी लाइफ से, जस्ट ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। जो फियर ऑफ डेथ है ना, सबसे बड़ा इस दुनिया में फियर है। एट लास्ट हमारे माइंड बॉडी को यही डर रहता है कि कहीं हमारी डेथ ना हो जाए, क्योंकि इवोल्यूशन में अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं इवॉल्व होते 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 होते, तो हमने बहुत सारी डेथ्स को देखा है ना। हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत डेंजर को देखा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो रहे हैं। हमारे ईगो माइंड को पता है कि अगर हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारा आगे असेंशन कैसे होगा, लाइक हमारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे आएंगे, नई जनरेशन कैसे आएगी। तो हमारे माइंड और बॉडी का एक ही काम है, हमें जिंदा रखना एनी हाउ। तो इसके लिए अगर हम फियर ऑफ डेथ को ओवरकम कर लेंगे तो हमेशा का फियर ही खत्म हो जाएगा। और ये फियर ऑफ डेथ कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं? By visualizing your death again and again. I know it is very intimidating sort of, मतलब बहुत आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन visualize your death every single day. मेरा कहना मानकर देखिए, सोने से पहले एक बार अपने death को visualize कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपकी डेथ से कितने लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं, आपके बहुत सारे ग्रजेस, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आप जो सोचते हैं पूरा दिन कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो बहुत गलत है, वो मेरे लिए हमेशा नेगेटिव सोचता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और आपको भी अपने इस फियर को ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। एवरी सिंगल डे एट नाइट विजुअलाइज योर डेथ, कि आप एक डेड इंसान हैं और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रो रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके अननोन, जो जिन्होंने आपको कभी देखा भी था, जो आपसे कभी मिले भी थे। एक बार करके देखिए, आप इस फियर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जिस इंसान ने फियर ऑफ डेथ को जीत लिया, वो इंसान कभी भी किसी भी चीज से नहीं डर सकता। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और लास्ट में मे भी हो सकता कुछ लोगों को जो कि डेथ से डरते हैं उन्हें बुरा भी लगा होगा, बट दिस इज व्हाट, दिस इज रियलिटी, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई डू नॉट नो कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।